उत्तर प्रदेश के झांसी में बीते 21 जुलाई को कारोबारी संजय वर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग और उनके सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को स्वैट टीम और नवाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसएसपी विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 21 जुलाई को कारोबारी संजय वर्मा कचहरी से अपनी पजेरो गाड़ी में बैठकर घर की ओर जा रहे थे, तभी कचहरी चौराहे पर हथियारों से लैस हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें संजय वर्मा सहित 3 लोग घायल हो गए थे और एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेकर एसएसपी ने पुलिस टीम गठित कर हमलावरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पकड़े गए आरोपी ने घटना का कारण पुराने रंजिश का बदला लेना बताया है। ये 21 तारीख को यहाँ पे शूट आउट हुआ था, जिसमें कि यहाँ के व्यवसायी संजय वर्मा जी के ऊपर हमला किया गया था। इसमें उनके एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। इसमें 9 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जो कि इस घटना में शामिल थे। पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई कर रही है और जो व्यक्ति बचे हुए हैं जो इस घटना में शामिल है उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लो। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ इसका ये कहना है कि इन लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी जो है ये घटना को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइट न्यूज़, झांसी।